तो आज की क्लास में हम पिवट टेबल पर बातचीत कर रहे हैं, और पिवट टेबल पर हम बातचीत करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में कि एक्सटर्नल पिवट टेबल क्या होता है। चलिए इसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है, कई केसेस में हमें कहीं किसी और सिस्टम से या किसी और लोकेशन से डेटा लेकर आना होता है, और हम डेटा को दो जगह पर रख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक जगह पिवट लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, उस फाइल को मुझे छेड़ना नहीं है, तो हम दो दो फाइलों पे डेटा नहीं रख सकते, क्योंकि डेटा काफ़ी बड़ा होता है और रखने से सिस्टम कैप्चर हो सकता है। इन सब केसेस में एक्सटर्नल पिवट का यूज करते हैं। और एक और एक्सटर्नल पिवट का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक्सटर्नल पिवट ही नहीं, उसमें हम बाकी चीज़ें भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, जब पिवट टेबल आप लगाते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, चलिए उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई पिवट टेबल आप डेटा पे लगाते हैं, आपके सामने जो डेटा है, मुझे इस डेटा पे पिवट टेबल लगाना है, तो आप जनरली इसमें पिवट टेबल लगा लेते हैं। पर पिवट टेबल लगाने के साथ इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि डेटा अपडेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि नेम वाइज और यहाँ पे एरिया सॉरी क्वांटिटी का टोटल हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है सर। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो नाम मैंने डिलीट कर दिया, ये दो नाम डिलीट हो गया, डेटा मेरा कम गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता, तो यहाँ पे ब्लैंक शो होना चाहिए, लग रहा है शो नहीं हुआ, एक मिनट मैं चेंज डेटा शोर्स में जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने ये देखिए 97 तक है। अब मान लीजिए कि मैं इसमें एक डेटा एंट्री कर देता हूँ, मैं 797 आज का डेट दिया, मैं यहाँ पे उदय नहीं नाम देता हूँ, जैसे देव कुमार दे दिया, मेरे बेटे का नाम है, और यहाँ पे हमने नंबर्स दे दिए। अब ये देव कुमार मेरे डेटा में नहीं आएगा, नहीं आया, क्यों नहीं आया, न आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारा जो पिवट है जो लगा है उसका रेंज क्या है, उसका रेंज है 797, और हमने जो डेटा एंट्री की है वो हमारा 798 है। ठीक है, तो हमें वापस यहां से पिवट को दोबारा डेटा सिलेक्ट करने पे तब जाके डेटा में अपडेट होता है। अब ये प्रॉब्लम देखिए आ गया देव कुमार, अब ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो डे वाइज, हमारे कुछ ऐसा डेटा है जो डे वाइज आता है, हर दिन आता है, एक के नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं और उस पर रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो एवरी डे आपको पिवट को रिसाइज करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बिना पिवट को एवरी डे रिसाइज करने की ज़रूरत न पड़े, एवरी डे मुझे रिसाइज करने की ज़रूरत न पड़े, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम अपने डेटा को, जो डेटा है हमारा, तो इसको पहले सबसे पहले मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेबल है ना। तो अब क्या है कि अब जैसे यहाँ एंट्री करेंगे, जैसे 798 हमने कर दिया, अब यहाँ हम कुछ भी एंट्री करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिक उसको ले लेगा, ठीक है। अब ये देखिए नीचे ज्यादा हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ ब्लैंक आ जाएगा आपके आपके पीवर, अब इस पे मैं आसानी से पिवट बना सकता हूँ, सिलेक्ट किया पिवट टेबल, तो टेबल वन को यहाँ कंसीडर कर रहा है, किसी रेंज को कंसीडर नहीं कर रहा है, टेबल वन को कंसीडर कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ नेम रखता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका आ गया, यहाँ पे ब्लैंक भी आ गया,
क्यों ब्लैंक है? क्योंकि एक जो है नीचे आप देखे थे ब्लैंक था, वो इंटरप्रेस करते हुए ब्लैंक ले लिया, तो इसको आप आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश कीजिए, आप देखिए ब्लैंक हट जाएगा। तो टेबल जो है फॉर्मेट, उसमें आप जो है रख सकते हैं, उसमें जैसे ही टेबल इंक्रीज होगा पिवट टेबल रिफ्रेश करते ही आ जाएंगे, तो बार बार आपको रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है और टेबल को लेकर चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर टाइपिंग करते हैं तो टेबल अपने आप को कंसीडर कर लेता है, पर जब कॉपी पेस्ट आप करते हैं तो वहां कंसीडर नहीं करता है, तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा तरीका है वो है हमारा एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं ताकि हमारा टेबल हट जाए। उसके बाद आप यहाँ इंसर्ट पे आए, पिवट टेबल पे आए, चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ हम जो है अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना सीट सिलेक्ट कर लिया। कौन सा सीट है? सीट वन। सेम फाइल है सर, डेटा वन ओपन है, डेटा वन में एक्सटर्नल मेथड लगा रहा है। अब कुछ भी चेंज करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने चेंज किया, कॉलम इंसर्ट किया, तो कॉलम इसमें इंसर्ट नहीं होगा। तो ये रो जितना डेटा नीचे डालेंगे सारे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक नाम डाल देता हूँ, एक 799 आज का डेट, और यहाँ पे मान लीजिए नाम हमने दे दिया पुष्पा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे पुष्पा इसमें ऐड हो जाएगा। आगे सर पुष्पा, तो हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर इसमें कोई नेम ऐड करते हैं तो नहीं होगा, कोई कॉलम फील्ड ऐड करते हैं तो नहीं होगा। तो कॉलम फील्ड ऐड करते करते हैं उसके लिए जो तीसरा मेथड है वो थोड़ा सा लेंदी है। हालांकि इसको अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आगे फॉर्मूला एक क्लास में उसको समझ पाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑफसेट का। ऑफसेट में हम देंगे रेफरेंस ए वन, और हम यहाँ पे देंगे रो जीरो कॉलम जीरो। हाइट में हम दे देंगे काउंट ए का फॉर्मूला, काउंट ए एंड कॉमा। विड्थ में भी हमें यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला देना है। ओके, और फिर इस फॉर्मूले को कॉपी करके हमें ले जाना है डिफाइन नेम में, फॉर्मूला बार डिफाइन नेम, और यहाँ पे एक नेम दे दीजिए डेटा, और यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला आपने डाला है उसमें जो ए वन है उसको फ्रीज कर दीजिए, जो भी रेफरेंसेज है उसको फ्रीज कर दीजिए एंड ओके। ओके, इसमें माफ कीजिएगा एक क्लोजिंग ब्रैकेट इसमें रह गया है। अब जो है कहीं भी आप इसकी पिवट लगा सकते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहां पे मैंने सिर्फ डेटा लिख दिया एंड देन ओके, देखिए लग गया। अब मान लीजिए डेटा वन पे मैंने यहां पे मंथ लगाया, मंथ एक ऐड कर दिया, हमने मंथ ऐड कर दिया। अब यहां पे आप देखिए रिफ्रेश कीजिए तो यहां मंथ भी आ गया। लेकिन ऑफसेट वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी है, उसको समझना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी समझने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आगे चल के फॉर्मूलेज की जो क्लासेस दूंगा उसमें आप समझ सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि एक्सटर्नल मेथड का यूज आप अपने लोकल पीसी तक कर सकते हैं, आप किसी को भेज नहीं सकते क्योंकि उसमें जो पाथ दिया है वो आपके सिस्टम का पाथ है और आपके सिस्टम का पाथ उसके पास थोड़ी आएगा। तो आपके यहाँ तो एक्सटर्नल पिवट टेबल वर्क कर लेगा पर उसके यहाँ वर्क नहीं करेगा। ठीक है सर,
ये जो हमने दिया है ना ऑफसेट वाली जो मेथड मैंने बताई है, जिसको नेम मैनेजर में मैंने डाला है, एक बार देख लीजिए इसका फॉर्मूला मैंने क्या लगाया है। ये फॉर्मूला है, हमने ऑफसेट डेटा के वन स्टार्ट किया, रो एंड कॉलम को जीरो किया, और हाइट और विड्थ में काउंट ए ऑफ द रो एंड काउंट ए ऑफ द रो एंड कॉलम को काउंट कर दिया और इसको नेम में डाल दिया। ओके सर, अब बात करते हैं पिवट टेबल को और एक्सटर्नल पिवट टेबल और कहाँ कहाँ वर्क होता है। तो जैसे कि आपके पास अगर एम एस एक्सिस का डेटा है तो आप एम एस एक्सिस में भी आप लगा सकते हो। तो ब्राउज फॉर मी और यहाँ से आप एम एस एक्सिस को सिलेक्ट करो। हालांकि मैंने अभी नया नया विंडो अपडेट किया है ना सर, विंडो 11 मैंने पर्सनली अपडेट किया है, तो इसके अंदर में फाइलें भी नहीं है सर, तो इसे मैं लगा के नहीं दिखा सकता। पर जस्ट लाइक एक्सेल, आपको एक्सेस की डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करना है, टेबल्स को सिलेक्ट करना है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। उसी तरीके से अगर आप एसक्यूएल सर्वर ओरेकल, तो उसके लिए आपको यहाँ न्यू सोर्स आपको दिख रहा होगा, न्यू सोर्स पे जाइए। अगर एसक्यूएल सर्वर है तो एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे पाथ डालिए और डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपल सा। उसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे ओरेकल है तो ओरेकल पर क्लिक कीजिए, आगे कीजिए, ओरेकल का सर्वर डालिए और सेम ऐसा ही है इसका। अब कुछ ऐसा फाइल पाथ है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ डालना है, कुछ ऐसा फाइल आपको जैसे फॉक्स प्रो की फाइल होती है, एसक्यूएल की नोट फाइल होती है, ऐसे कुछ ऐसे फाइल आपको मिलते हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे इसको पिवट में इम्पोर्ट करना है, तो उसकी कंप्लीट पाथ को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम एफटीपी से फाइल लेते हैं, समझे। अब जैसे मैं अपने मेल पे आता हूं, इसी को लेते हैं, इसको मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ और इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है, मैं यहाँ पे एक मिनट करता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ से डाउनलोड पे जाता हूँ। मान लीजिए कोई पाथ है, मेल पे ले लिया, लेकिन मतलब हो सकता है कोई और पाथ हो, तो कुछ ऐसा एफटीपी है जहाँ से बार बार फाइल को डाउनलोड करना होता है और देन पिवट लगाना होता है, तो उसकी पूरी पाथ को आप यहाँ डाल सकते हैं। यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और उसकी पूरी पाथ यहाँ डाल के ओके कर दीजिए। वो यहाँ पे साइन इन मांग रहा है गूगल का, साइन इन कर देंगे तो फिर हो जाएगा सर। तो डायरेक्ट मेल से भी इसको पाथ को ले सकते हैं या किसी भी एफटीपी फाइल से भी, सिंपल यहाँ पे डाल दीजिए, बाकी का काम अपने आप कर देगा। ठीक है नायर जी। हाँ जी, तो ये जो टॉपिक थी हमारी, वो टॉपिक थी आज की, वो थी कि हम एक्सटर्नल लेवल से कैसे पिवट टेबल को कनेक्ट करें। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कल की क्लास में हम स्लाइसर के बारे में जानेंगे। स्लाइसर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Record.